भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विधायकों द्वारा राजभवन पर दिए जा रहे धरने को अनैतिक बताते हुए केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और कानून के रखवाले हैं, वे राजभवन को घेरने और जनता को उकसाने का अपराध कर रहे हैं। कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया और जो शब्द इस्तेमाल किए वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या गृह मंत्री नहीं कर सकता, मर्यादा नैतिकता के नाम पर भी और कानूनन भी। जिस तरीके से राजभवन में धरने का नाटक चल रहा है, क्या वो फोर्स कर सकते हैं राज्यपाल महोदय को? किस विधान में है कि किसी दल के नेता के अगुवाई में उनके दल के विधायक महामहिम राज्यपाल को, जो किसी राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक प्रमुख हैं, उनको इस बात के लिए फोर्स किया जा सकता है? और किस भाषा में ये कहा यदि ऐसा नहीं किया तो राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी? ये शब्द उन्हीं के हैं और पूरे प्रदेश और देश ने सुना है। और इस लफ्ज के बाद में खुद गृह मंत्री, जिनको कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी है, वो खुद अपराधी साबित हो जाते हैं। जिस तरीके का उत्प्रेरण किया उन्होंने कि यदि इस तरीके से ये कृत्य नहीं हुआ तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी, ऐसे कई कानूनी प्रावधानों में इस बात का उनको जवाब देना पड़ेगा। एक तरीके से खुद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने यह आपराधिक कृत्य किया है। राजस्थान के विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विधायकों को लेकर राजभवन में धरना देकर अनैतिक दबाव बना रहे हैं। पर राजभवन में जाकर जो धरना देने का जो काम किया, एक राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि नहीं तो राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी, तो जो सरकार चला रहे हैं, पुलिस उसकी, विभाग उसका, सब उसका, और उसके बाद अगर राजभवन को घेर लेंगे तो इस लोकतांत्रिक पोस्ट की हिफाजत कौन करेगा? इसलिए मैं तुरंत केंद्र सरकार से भी आग्रह पूर्वक कहता हूं कि इस समय की स्थिति को देखते हुए आपको राजस्थान की पुलिस के भरोसे लॉ एंड ऑर्डर को न छोड़कर सीआरपीएफ को निश्चित रूप से यहां पोस्ट करना चाहिए, जिसके कारण से कम इस गरिमामय पद का सम्मान बना रहे। विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य में अब सरकार बचाने का कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री को आशंका है कि बाड़ाबंदी समाप्त होते ही सभी विधायक बिखर जाएंगे। वो बेचैन है, रोज उनको ये आकर कहते हैं कि हम आज यहाँ से निकल कर जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। उन्हें ये आशंका है कि उनका बाड़ाबंदी टूटते ही सब लोग अपने अपने मुकाम पर चले जाएंगे, अपने अपने हिसाब से चले जाएंगे, और उनकी सरकार जो अब आंशिक अल्पमत में, पूरी अल्पमत में आ जाएगी,